हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज का मैच देखा जाएगा तो इंडिया वोमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वोमेन जो है सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा। ये मैच वहीं जहां पहला मैच हुआ था बेंगलुरु में खेला जाएगा। अभी पिच की बात कर ले तो मैंने पहले ही बोला था कि थोड़ा सा बॉलिंग पिच है, लेकिन स्मृति मंधाना ने पहले मैच में बहुत ही सेंसिबल बैटिंग किया, बहुत ही सोच समझ के बैटिंग किया। उन्होंने उनके बदौलत 265 पे 8 विकेट पे इंडिया ने बनाया 265 रन, जिसमें से स्मृति मंधाना का 117 मीन्स कि समझ सकते हैं कि 100 समथिंग रन पे ही पूरे इंडिया टीम घुलट जाती अगर स्मृति मंधाना ठीक से नहीं चलती तो। उसके बाद उधर तक देखा जाए साउथ अफ्रीका वोमेन की तरफ तो 122 पे ऑल आउट हो गया। मैं पहले ही बोला था कि ये बॉलिंग पिच है, यहाँ थोड़ा सा सेंसिबल खेलना पड़ेगा। पिछले मैच का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें भी देखें कि इधर का जो बॉलर है, आपको मैंने बोला था कि ए आशा जो है अगर खेलती है तो 4 विकेट जरूर, 2 से 3 विकेट लेंगी। मैंने राधा यादव के लिए भी बोला था 2 विकेट लेंगी, लेकिन राधा यादव ने 1 विकेट लिया था। अब दोनों का पहले प्लेइंग 11 का बात कर लेते हैं। देख लीजिए प्लेइंग 11 में देखा जाएगा तो साउथ अफ्रीका की तरफ से जो मेन बॉलर है एम कप्पा ऑलराउंडर हैं, उन्होंने बॉलिंग किया ही नहीं। पता नहीं रीजन क्या है, हो सकता है चोट उट लगा होगा, लेकिन उनको बॉलिंग नहीं किया तो आप उसको टीम में कभी रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बॉलिंग के बदौलत ही 3 से 4 विकेट लेते हैं, 20 से 25 रन मारते हैं, जिससे कि वो टॉप स्कोरर रहते हैं, मीन्स ड्रीम टीम का टॉप खिलाड़ी रहते हैं। इधर से एक और ऑलराउंडर है, उनको नहीं खिलाया गया है, एंडी क्लार्क को नहीं खिलाया गया है। उनकी जगह पर हो सकता है कि डार्कसन को खिलाया गया था। तो कुछ कुछ टीमें जो हैं साउथ अफ्रीका के थोड़ा सा डिफरेंट थोड़ा सा चेंज किया था, जैसे बॉलिंग नहीं करवाना है एम कप्पा का, एंडी क्लार्क को नहीं खिलाना, रीज़न अब पता नहीं है, लेकिन उसके कारण से साउथ अफ्रीका ये मैच हार गई है। तो मेरे ख्याल से है कि आज के मैच में कुछ प्रदर्शन जरूर चेंज ही हुआ है। मेरे ख्याल से एंडी क्लार्क को उनको लाना चाहिए, क्योंकि अच्छे ऑलराउंडर है, खेलते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और मजबूती प्रदान करते हैं साउथ अफ्रीका वोमेन टीम के लिए। अब देखते हैं एल बॉलर्ट के साथ टी ब्रिट्स ओपनिंग करने के लिए आते हैं। ये दोनों का कभी भी ओपनिंग पार्टनरशिप जो है फास्ट बॉल जहां पिच पर आता है वहां पर आपको बहुत अच्छा ओपनिंग साझेदारी कर सकते हैं, नहीं तो ये ओपनिंग साझेदारी नहीं कर सकते, क्योंकि इनका विकेट गिरना ही गिरना है, चाहे एल बॉलर्ट का हो चाहे टी ब्रिट्स का हो, दोनों में से किसी का भी गिर सकता है। लेकिन जब ये वनडे मैच होता है, वनडे मैच का मैं पहले ही बोला होता, वनडे मैच में वैसा प्लेयर जो आपको 50 प्लस पॉइंट देगा वही ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा। अब बात करते हैं उसके बाद फिर ए बोस आते हैं। ए बोस बॉलिंग एक आध ओवर करते हैं कि अगर कोई बॉलर पिटा गया तो एक आध ओवर बॉलिंग करेंगे। फिर सुन लोस आते हैं, फिर एम कप्पा आते हैं, फिर ए डार्कसन बॉलर हैं जो ऊपरी क्रम में बैटिंग करने के लिए आते हैं, फिर ऑलराउंडर में एन सखांसा आते हैं, फिर एस जापटा आते हैं विकेट कीपर, आपको 8वें नंबर पर विकेट कीपर आते हैं, फिर एम क्लास, एन मालवा और ए खाका, ये आपके 3 फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते ही खेलते हैं। और मैं पहले ही बोला था ये 3 फास्ट बॉलर खेलते हैं, इनको 2 लोग विकेट लेंगे, 1 विकेट नहीं लेंगे। तो पिछले मैच में देखिए ए खाका ने 3 विकेट लिया, एम क्लास ने 2 विकेट लिया, एन मालवा 1 ही विकेट लिया। आज के मैच में भी मैं वही बोल रहा हूँ, फिर अगर इंडिया पहले गेंदबाजी करती है तो साउथ अफ्रीका का बैटिंग उतना ज़्यादा चलेगा नहीं और इंडिया स्टार्टिंग में ही मैच जीत जाएगी मेरे ख्याल से कुछ रन बनाकर। तो विकेट में देखेंगे तो इधर तक 2 विकेट एम क्लास ने लिया, 3 विकेट खाका ने लिया, एन मालवा ने 1 विकेट लिया, एन सखांसा ने 1 विकेट लिया, ए डार्कसन ने 1 विकेट लिया और एम कप्पा ने बॉलिंग नहीं किया, इसलिए हमको विकेट नहीं मिला। अब इंडिया की तरफ से देख लेते हैं बैटिंग का लाइनअप। शेफाली वर्मा के साथ स्मृति मंधाना पावरफुल हिटर, नो डाउट पावरफुल हिटर है, लेकिन बंगलुरु का पिच थोड़ा सा जो है पहले वाला था फास्ट बॉलर को कम मदद करती है, इसलिए स्टार्टिंग में ही आपका 10 ओवर में 1 से 2 विकेट गिरना था, वो मैंने पिछले मैच में ही बोला था। आज के मैच में बोल रहा हूँ कि आज भी 10 ओवर में 1 से 2 विकेट गिरना है। आज के मैच में स्मृति मंधाना को मैं अपनी टीम में नहीं रखूँगा, क्योंकि ये एक मैच में चल गई है तो आज के मैच में वे नहीं चलेंगी। शेफाली वर्मा 35-40 पॉइंट मतलब रन मारेंगी, मीन्स की ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगी। डी हेमलता टीम में जगह बनाती है, लेकिन उनको भी इतना ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाएंगे। हरमनप्रीत कौर मैच पिछले मैच में बॉलिंग भी किया था 2 ओवर, ये थोड़ा सा आपको जो है इनको थोड़ा डाउटफुल में रख सकते हैं कि इनको किसी प्ले टीम में रखा जा सकता है, किसी टीम में नहीं रखा जा सकता है। रीज़न क्या है कि मैं पहले ही बोला हूँ कि बॉलिंग अटैक ऑलराउंडर को ज़्यादा रखना है, बैट्समैन और विकेट कीपर को कम रखना है। विकेट कीपर में आपको एक ही रखना है तो वो नो डाउट ऋचा घोष रहेंगे अपनी टीम में। जेमी रोड्रिक्स भी डाउटफुल में रहेंगी, किसी किसी मैच में चलती हैं, किसी किसी मैच में नहीं चलती हैं। दीप्ति शर्मा पिछले मैच में 2 विकेट लिया था, ऑलराउंड परफॉर्मेंस नो डाउट, ये हमेशा आपके टीम में जगह बनाएंगे और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आपको ड्रीम टीम में कैप्टन का प्रबल दाव जा रहेंगे। पूजा वास्कर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस, कुछ रन मारती हैं, एक आध विकेट निकालती ही निकालती हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने 1 विकेट निकाला था। राधा यादव 1 विकेट निकाली हैं, लेकिन इनको मेरे ख्याल से राधा यादव को और विकेट मिलना चाहिए, 2 से 3 विकेट मिलना चाहिए। एस आशा जो हैं उनको 4 विकेट पिछले मैच में मिला था, इस मैच में हो सकता है कि 1 से 2 विकेट निकालेंगे। आर ठाकुर मैंने पिछले मैच में भी बोला था कि इनको अपनी टीम में रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 1 विकेट से ज़्यादा लेंगे नहीं और आज के मैच में भी 1 विकेट से ज़्यादा लेंगे नहीं, जिसके कारण से ये ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। अब हम लोग को लेना है वैसा प्लेयर जो आपको ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे और वही प्लेयर को हम लोग को अपनी टीम में सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इंडिया का पिच है, इंडिया का बैटिंग, इंडिया का बॉलिंग, इंडिया का फील्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत रहेगा, बशर्ते साउथ अफ्रीका का। तब बात कर लेते हैं सबसे पहला प्लेयर कौन होगा जो आपकी टीम में सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा, तो नो डाउट दीप्ति शर्मा।
दीप्ति शर्मा आपके एक ऐसे प्लेयर हैं जो मिडिल ओवर में बैटिंग करेंगे, 50 ओवर का गेम है, इनका बैटिंग आएगा ही आएगा, कुछ रन मारेंगे, विकेट लेंगे, आपके दीप्ति शर्मा सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस करेंगे, तो सबसे पहला प्लेयर दीप्ति शर्मा होंगे। दूसरा प्लेयर वैसा प्लेयर जो आपको ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करता हो और बॉलिंग भी करता हो, तो आपको देखिएगा कि हरमनप्रीत कौर, एच कौर कप्तान जो है टीम के, पिछले मैच में उतना ज़्यादा आप परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, लेकिन हरमनप्रीत कौर जो है आपको अच्छा मजबूती प्रदान करेंगे, अगर विकेट गिरता है तो बैटिंग करने के लिए आएंगे, तो हरमनप्रीत कौर दूसरे प्लेयर हो जाएंगे। तीसरे प्लेयर ऑलराउंडर में भी जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता होगा, तो पूजा वस्त्रकर, पी वस्त्रकर जो आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों करके देंगे और अच्छा खासा पॉइंट लेंगे, और ये भी कैप्टन के प्रबल दावेदार रहेंगे। हरमनप्रीत कौर को कैप्टन थोड़ा सा कम डाल रहा हूँ मैं, जो जो कैप्टन के साथ आते जाएंगे उनको मैं बताता जाऊँगा कि कैप्टन मैंने दीप्ति शर्मा कैप्टन, पूजा वस्त्र को भाई कैप्टन, दीप्ति शर्मा कैप्टन, इस तरह करके बनाना है अपने टीम में। चौथा प्लेयर अब आते हैं तो देखिए ओपनिंग साझेदार में मैंने पहले ही बोला था ये दोनों में से किसी एक प्लेयर को रखिएगा, पिछले मैच में भी मैंने बोला था अगर पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे, शेफाली वर्मा या स्मृति मंधाना। आज के मैच में मेरे ख्याल से, पिछले मैच में बोला था स्मृति मंधाना, आज के मैच में शेफाली वर्मा चलेंगी और कैप्टन के भी प्रबल दावेदार रहेंगी कुछ कुछ मैचों में। चौथा प्लेयर हो गया। पांचवा प्लेयर बॉलिंग में देखिएगा राधा यादव को, पिछले मैच में एक विकेट मिला था, एक आध कैच ली थी, ड्रीम टीम का हिस्सा थी, आज के मैच में भी राधा यादव जो है स्पिन जो बॉलिंग करेंगे थोड़ा सा इस पिच पे बंगलोर पे उनको मदद मिलेगा और वो आपके ड्रीम टीम के हिस्सा बन जाएंगे। छठा प्लेयर ए आशा ये आपके टीम में आपको एक से दो विकेट लेंगे और ये रहेंगे भी, या आज के मैच में एस आशा को ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन छठा प्लेयर हम लोग वो रहेंगे। 7, 8, 9, 10 और 1, 11। अब हम लोग को विकेट कीपर का बात आता है, तो विकेट कीपर में ऋचा घोष और इधर से एस जाप्टा, तो ऋचा घोष का ऊपरी क्रम में विकेट बैटिंग करने के लिए आती है, तो ऋचा घोष हो जाएंगे ये आपके विकेट कीपर के रूप में आ जाएंगे, कैप्टन के प्रबल दावेदार नहीं रहेंगे। अब हमारे पास चार प्लेयर रहा जो हमको साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से लेना है, तो देखिए अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान दीजिएगा, अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो आपको एल बॉलोरेट और टी ब्रिट्स में से एक को लेना पड़ेगा, अगर साउथ अफ्रीका बाद में बल्लेबाजी करती है तो दोनों में से किसी को नहीं लेना पड़ेगा, तो इसलिए एल बॉलोरेट या टी ब्रिट्स। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करती है तो इस टी प्लेयर को रखना है, बाद में बल्लेबाजी करती है तो नहीं रखना है। बाद में बल्लेबाजी करेगा तो आपको साउथ अफ्रीका अगर पहले गेंदबाजी करता है तो इनके जो तीन बॉलर हैं इन तीन में से दो को आप रख सकते हैं, मीन्स कि नौवा दसवां प्लेयर में आपका हो जाएंगे एम क्लास ऑब्लिक एन मालवा या ए खाका या ए डार्क सेन। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि मैंने एम कप्पा को अपनी टीम में अभी तक जगह नहीं दिया है, रीज़न मैंने यही बोला है कि अगर आज के मैच में एम कप्पा बॉलिंग करता है, ये तो साउथ अफ्रीका मैनेजमेंट का टीम है, लेकिन आप एम कप्पा को अपने ग्रामीण प्लेयर में रख लीजिएगा और किसी किसी टीम में जो है कैप्टन बना सकते हैं, कि हो सकता है कि आज के मैनेजमेंट जो है एम कप्पा को बॉलिंग देगा और एक आध प्लेयर अगर एन सुखवागा नहीं खेल सकते हैं उनके जगह पर अगर एनडी क्लार्क आते हैं तो एक प्लेयर जो है यहाँ पर आप एनडी क्लार्क के साथ चले जाइएगा, क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर एनडी क्लार्क आते हैं तो बॉलिंग में एक आध विकेट लेंगे और रन भी मारेंगे, एम कप्पा अगर बॉलिंग करते हैं तो विकेट लेंगे ही लेंगे, तब आप ड्रीम टीम में रखना है, अगर बॉलिंग नहीं करते हैं तो मेरे ख्याल से एम कप्पा को ज़्यादा टीम में आप कैप्टन मत बनाइएगा, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका पहले गेंदबाजी करता है तो एम कप्पा को बनाना नहीं है, अगर साउथ अफ्रीका बाद में गेंदबाजी करता है तो एम कप्पा को कैप्टन आप बना सकते हैं किसी किसी टीम में। तो मेनली रूप से कैप्टन एक प्लेयर, दो प्लेयर, तीन प्लेयर, एम कप्पा चौथा प्लेयर, आप एल बॉलोरेट के साथ जा सकते हैं, अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो साउथ अफ्रीका, तो आप एल बॉलोरेट के साथ कैप्टन के रूप में जा सकते हैं। इस तरह से बनाकर जो है आज का मैच, जो इंडिया वोमेन वर्सेस साउथ अफ्रीका वोमेन का जो मैच होगा उसमें जो है इस तरह का टीम बनाकर जो है ग्रैंड लीग स्मॉल लीग आप दोनों जीत सकते हैं। धन्यवाद।